में के दे रखा है 15 PPM दे रखा है। PPM और मास परसेंट का एक डायरेक्ट रिलेशन मैंने बताया था, PPM इज इक्वल टू मास परसेंट इंटू 10^-4। ठीक है ना, तो PPM यहाँ पे गिवन है 15 और मास परसेंट निकालनी है, तो मास परसेंट विल बी 10 15 × 10^2। नहीं, मास परसेंट निकालनी है तो हो जाएगा 15 × 10^4। नहीं, उल्टा बोल दिया, किया तो मैंने सही है। हाँ, ठीक है, ये होता था 10^4 है ना, और अगर तुम्हें मास परसेंट निकालना है तो 15 × 10^-4% आ जाएगी। ठीक है, दैट इज 0.0015%। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है मोलैलिटी निकालो, तो तुम बोल सकते हो 100 ग्राम सोल्यूशन में 0.0015 ग्राम ऑफ CHCl3 है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सोल्यूशन था ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए तुम 100 में से माइनस कर दो 0.0015, तो इट इज नियरली इक्वल टू 100, 100 ही ले लेते हैं इसको, 99.9 समथिंग आएगा। तो अब मोल्स ऑफ CHCl3 विल बी 0.0015 डिवाइड बाय CHCl3 का मास 119 होता है, मोल्स ऑफ CHCl3 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करके हमारी मोलालिटी आ जाएगी। ठीक है,